ये जो सोच है कि औरत मार्च बिल्कुल तहरीक जो है वो फहाशी को फ़रोग देने के एजेंडे पर काम कर रही है, तो इस हवाले से मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, वो ये कि जो सेक्सुअल फ्रीडम है इसके हवाले से आपके क्या नज़रियात हैं? यानी ये जो निकाह के बग़ैर जो फिज़िकल रिलेशनशिप है जिसे हम जो ज़ना बिर्रज़ा कहते हैं, तो क्या आप इसकी मज़म्मत करती हैं? देखिए, मैं तो इसकी इसमें बिल्कुल इसके बारे में जब हम ये अपने हकूक की बात करते हैं तो हम तो इसकी बात ही नहीं कर रहे। देखिए, हम तो निकाह के अंदर अपना हक मांग रहे हैं अभी। हाँ, अभी तो हम पहले कदम पर हैं जहाँ पे हमारा निकाह हुआ हुआ है, हम उसके अंदर अपना हक मांग रहे हैं। अभी निकाह के बाहर देखने की हमें कोई फुर्सत नहीं है। वो जो जहाँ मगरबी ममालिक में जो लोग देखते हैं उनका उनका हक है वो देखें। हमें तो अभी हमारे जो फैमिली सिस्टम है हमें उसके अंदर अपना हक चाहिए। हम ये कहते हैं कि हमारी बच्चियां जो हैं वो घर की चार दीवारी में भी महफूज रहें और घर की चार दीवारी से बाहर भी महफूज रहें। आपके इल्म में होगा कि हमारे बहुत से बच्चे और बच्चियां, मैं लड़कों की भी बात कर रही हूँ, हमारे बच्चे जो हैं वो घरों में महफूज नहीं है। जो हमारे घरों के बड़े हैं वही बच्चों की पामाली, आपने देखा होगा। मैं बहुत तफसील में नहीं जाना चाहती मगर आपने देखा, हमारे पास, आपके पास मुझसे ज्यादा खबरें हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो हम महफूज जगह घर को बना दें, हम महफूज जगह चार दीवारी को भी बनाएं और चार दीवारी से बाहर भी हमारी, आप भी मेरी बच्ची हैं, आप भी मेरी बहन हैं, आप घर की चार दीवारी से बाहर निकली है ना। तो मैं अगर ये कह रही हूँ कि मेरी ये बहन जो है ये चार दीवारी से जो बाहर निकली है अपना काम करने के लिए, ये महफूज रहे, तो इसमें क्या बुराई है मुझे बताइए। हमें तो जो है अपना सिर्फ हक मांग रहे हैं। और जहां तक आपने ये जिक्र किया, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया कि हमें निकाह के बगैर रिश्ते बनाने का, भाई हमें कोई शौक नहीं।